भाई और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आज हम लोग बात करेंगे पटना साहिब लोकसभा के एक ऐसे उम्मीदवार से जिन्होंने बिहार सरकार में पुलिस की सेवा की और अब जनता की सेवा करने की ठान ली है, और ये शख्स हैं अशोक कुमार गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका जो पुलिस का जो कार्यकाल था वो कैसा रहा, पहले उनके पुलिस के कार्यकाल का जो अचीवमेंट है पहले उससे वाकिफ होंगे, फिर उनका मोटिवेशन जनता की सेवा में कैसे हुआ ये जानने की कोशिश करेंगे। अशोक जी, स्वागत है आपका मेरे कार्यकाल में। धन्यवाद। पहले ये हम लोग जानना चाहेंगे कि पुलिस सेवा में आप कब आए और किस तरह आपका ये सारा प्रोसीडिंग चला, और कोई अवार्ड वगैरह मिला कि नहीं मिला, आपका क्या ग्राउंड रहा पुलिस सर्विस में? भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में मैं 1977 में आया और जिलों में एसपी रहे, 5 जिलों में, गोपालगंज, सीतामढ़ी, बेतिया, धनबाद और भोजपुर में। इसके बाद डीआईजी के पद पर रहे, फिर आईजी बने और आईजी के पद पर भी विभिन्न जगहों में रहे, और एडिशनल डीजी पुलिस रैंक में जा करके अक्टूबर 12 में 35 साल की सेवा करके मैं रिटायर हुआ। इस सेवा के दौरान मुझे एक नहीं दो बार राष्ट्रीय पुलिस पदक जो है राष्ट्रपति का मिला। इसके अलावा यूएनओ की संस्था के द्वारा मुझे महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा के काम उत्कृष्ट ढंग से करने के लिए पुरस्कृत किया गया। और जब मैं पश्चिम चंपारण बेतिया ज़िले में एसपी था तो वहाँ भी जो मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था, अपराध के लिए कुख्यात था, वहाँ मैंने अपराध नियंत्रण बखूबी किया, जिसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बिंदेश्वरी दुबे ने मुझे रिवॉल्वर और सम्मान पत्र से पुरस्कृत किया। रिटायरमेंट के पहले 4 साल में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का सीएम भी था, तो उस दौरान भी पहली बार पुलिस निगम को मैं घाटे से प्रॉफिट में लाया और राज्य भर में 500 से अधिक नए थाना भवन और दूसरे भवन का निर्माण किया, मॉडल थाना बनाए सभी ज़िलों में। सीएम रिलीफ फंड में भी हमने 5 करोड़ रुपया निगम के आमदनी से दिया, और जीरो से शुरू करके 1200 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट करते हुए मैं रिटायर हुआ। तो आपकी जो ये पुलिस सेवा थी उसमें मैंने अपने काम से आप खुद सेटिस्फाई हुए थे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और पूरी सेवा के दौरान हमने ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत, कर्मठता से काम किए, न्याय दिलाने का काम किया। तो ये पब्लिक में या जनता में तो प्रॉब्लम्स होते ही हैं, करप्शन होता ही है, बहुत बार करप्शन का आरोप लगता ही है, लेकिन इन सब के बीच चुनाव का जब समय आता है उस समय या तो कभी मोदी लहर हुआ, कभी जातीय समीकरण का बोलबाला हुआ, इस सब चीज़ों में आप अपने आप को पाते कहाँ हैं? मैं एक योग्य पदाधिकारी हूँ और मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, और मैं साल भर से अधिक से जनता के बीच जा रहा हूँ, विशेष करके तो वहाँ जा रहा हूँ, और लोगों से जो हमारी संपर्क हो रही है और मैं उनको बता रहा हूँ, और लोग भी बहुत त्रस्त हैं कि एक बार जिस एमपी को चुनते हैं वो 5-5 साल तक उनके बीच गए नहीं, विकास के काम किए नहीं। तो मैं इस परिवेश में मैंने चुनाव लड़ने का ठाना और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो अशोक गुप्ता जी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं वो कभी जनता के बीच आए नहीं, लोकसभा में सवाल किए नहीं, और ये दावा करते हैं कि इनकी पकड़ जनता के बीच में है।